आपको सबको नमस्कार। पूरे देश भर में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों से, पिछले 10 से 15 दिन में इतनी तेज़ी से कोरोना बढ़ा है। दिल्ली में ये चौथी वेव है। इसके पहले 3 वेव्स दिल्ली के अंदर आ चुकी है और हम सब दिल्ली वासियों ने मिलके उसका बड़े अच्छे से मुकाबला किया और वो ठीक हो गया। अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद खतरनाक है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि बहुत सारे लोगों की समझ के बाहर है। जैसे कुछ दिन पहले तक, मिड मार्च तक लगभग 200 से भी कम केस प्रतिदिन आने चालू हो गए थे, इतना कम हो गया था। और कल के 24 घंटे की जो रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में आज शाम तक पब्लिश होगी, दिल्ली में 10,732 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। 10,732 केस पिछले 24 घंटे में। उसके पिछले 24 घंटे में 7,900 केस आए थे। उसके पिछले 24 घंटे में 8,521 केस आए थे। मतलब आप देखिए कि पिछले 3 दिन के अंदर ही कितनी तेज़ी से बढ़े हैं। पहले 2 दिन लगभग 8-8,500 केस थे और कल 24 घंटे में 10,732 केसेस आए। इसके ऊपर स्थिति बेहद चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपकी सरकार पूरी तरह से स्थिति पे नज़र रखे हुए, मैं स्वयं इसके ऊपर नज़र रखे हुए हूँ और जो भी करने की ज़रूरत है हम वो सब कर रहे हैं, सबका सहयोग ले रहे हैं। इस वक्त हम मोटे मोटे तौर पे 3 स्तर पे काम कर रहे हैं। एक है कि किस तरह से कोरोना को फैलने से रोका जाए। इसमें खास तौर से सरकार अकेले बहुत कुछ नहीं कर पाएगी, दिल्ली वासियों को, आपको सबको इसमें सहयोग देना पड़ेगा। आपने पहले भी बहुत सहयोग दिया, हर बार सहयोग दिया, हर बार जब भी वेव आई दिल्ली के लोगों ने बढ़ चढ़ के सहयोग दिया। किसी और के लिए नहीं, हमें अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए बढ़ चढ़ के कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अपनी सेहत अपने हाथ है। अगर हम अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, जो 3 चीज़ें बार बार बोलते हैं, मास्क पहन के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और बार बार हाथ धोते रहिए। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो कि घर से तभी बाहर निकलेंगे जब बहुत ज़रूरी होगा। कुछ दिन की बात है, मुझे पूरी उम्मीद है जैसे पिछली 3 वेव चली गई वैसे ये चौथी वेव भी चली जाएगी। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घर पे ही रहें, घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते लेकिन कल सरकार को मजबूरीवश कुछ रिस्ट्रिक्शंस के ऑर्डर किए गए हैं। जैसे बसों में अब 50% लोग बैठ सकेंगे, मेट्रो में 50% की ऑक्यूपेंसी हो सकती है, बार्स रेस्टोरेंट्स के अंदर 50% की ऑक्यूपेंसी, इस तरह से कुछ कई सारे रिस्ट्रिक्शंस कल लगाए गए हैं। आप ही के लिए लगाए गए हैं, आप ही की सेहत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। आपसे अपील है कि उनको सबको अच्छे से फॉलो करें। तो एक तरफ हम कोरोना को रोकने की कोशिश, स्प्रेड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इतनी तेजी से जब कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, किसी को कोरोना होता है तो वो फिर या तो होम आइसोलेशन में जाता है और या फिर अस्पताल की तरफ जाता है। हम चाहते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरा इंतजाम किया है कि जब कोई अस्पताल में जाए, उसे अस्पताल की ज़रूरत पड़े, इलाज की ज़रूरत पड़े, तो उसे दिल्ली के लोगों को बेस्ट से बेस्ट इलाज मिलना चाहिए। किसी तरह की बेड की कमी नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, वेंटिलेटर की कमी नहीं होनी चाहिए। उसका सारा इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। नवंबर के महीने में हम एक पीक देख चुके हैं। नवंबर के महीने में जो पीक आई थी वो 8,500 केसेस की थी। आज हम ऑलरेडी 10,700 केसेस क्रॉस कर चुके हैं। तो ये नवंबर से भी ज़्यादा खतरनाक इस वक्त की पीक है। तो हॉस्पिटल, कल मैं LNJP हॉस्पिटल गया था उसका मुआयना करने के लिए। सभी डॉक्टर्स से, नर्सेस से बात हुई, वहाँ का सारा जायजा लिया।
मैं पूरे दिल्ली वासियों की तरफ से अपने डॉक्टर्स को, नर्सेज को, पैरामेडिक स्टाफ को, सबको हाथ जोड़ के सैल्यूट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले 1 साल से लगे हुए हैं वो लोग, उन्होंने अभी भी पूरी तन्मयता के साथ वो लोग लगे हुए हैं। कल उनसे सबसे बात की, हम पूरी तरीके से हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए पिछले कुछ दिनों के अंदर कि सर हम इस अस्पताल में गए, इधर बेड नहीं मिल रहा, उसमें गए, उसमें बेड नहीं मिल रहा। वो ऐप जो हमने हॉस्पिटल बेड्स का जारी किया था कुछ महीने पहले, पिछली जो पहली वेव आई थी जून के महीने में, 6 महीने पहले, वो ऐप आज भी काम कर रहा है। तो अगर आपको अस्पताल की ज़रूरत है, अगर आपको कोरोना हो गया, अस्पताल जाने की ज़रूरत है, तो किस अस्पताल में बेड अवेलेबल है वो आप अपने ऐप से देख लीजिए। ऐप, सारे लोग ऐप डाउनलोड कर लो और उस ऐप से आप लोग देख लीजिए कि किस अस्पताल में बेड की ज़रूरत है और कहाँ, तो सीधे मरीज को उधर ही लेके जाओ, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ लोग केवल प्राइवेट अस्पतालों की तरफ दौड़ रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में बेड थोड़े कम होते हैं। अब दिल्ली के अंदर पिछले 5 साल में आपकी सरकार ने मिलकर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को बहुत शानदार कर दिया है, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, पैसे वाले लोग भी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं। मेरी आप लोगों से निवेदन है कि सब लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ मत दौड़िए, सरकारी अस्पतालों में जाएंगे वहाँ भी आपको अच्छा इलाज मिलेगा, सरकारी अस्पतालों में भी आप जा सकते हैं। अगर आपका ऐप दिखाता है कि सरकारी अस्पताल में बेड खाली है तो सरकारी अस्पताल में जाइए, लेकिन अस्पताल में तभी जाइए जब आपको ज़रूरत हो। अगर सब लोग अस्पतालों की तरफ दौड़ने लग गए, अस्पताल कम पड़ जाएंगे, अगर सब लोग अस्पतालों की तरफ दौड़ने लग गए, बेड कम पड़ जाएंगे, आईसीयू कम पड़ जाएंगे, वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे। तो अगर आपको अस्पताल की ज़रूरत है तभी अस्पताल में जाइए, वरना होम आइसोलेशन में रहिए। अस्पताल के बेड केवल सीरियस मरीजों के लिए रहने दीजिए। अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं, अगर आपको सिंपल सिम्टम्स हैं, ज़्यादा बीमारी नहीं है, और अगर आप अस्पताल चले गए तो आपने एक बेड ऑक्यूपाई कर लिया जबकि आपका घर पे इलाज हो सकता था। और अगर कोई सीरियस मरीज आता है अस्पताल के अंदर, उसको बेड नहीं मिलेगा, उसको बाहर वेट करनी पड़ेगी, उसकी मौत हो सकती है, सीरियस मरीज की मौत हो सकती है, उसको अस्पताल की ज़रूरत है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि कई लोग मैंने देखा वो कहते हैं जी मैं तो अस्पताल जाके एडमिट हो जाता हूँ, घर में दूसरों का ना हो जाए, घर के अंदर होम आइसोलेशन कीजिए, हमारी टीम आपके घर आएगी, आपको सारा गाइडलाइंस वगैरह सब बता देगी, ऑक्सीमीटर देके जाएगी, आपको बता देगी कैसे होम आइसोलेशन करना है, आपके साथ हम संपर्क में रहेंगे। दिल्ली के अंदर दुनिया का सबसे बेहतरीन होम आइसोलेशन का प्रोग्राम चल रहा है, उसका फ़ायदा उठाइए आप। तो इसमें आप सब लोगों की, मेरे को सहयोग की ज़रूरत है कि जब तक अस्पताल में जाने की ज़रूरत ना हो अस्पताल मत जाइए, अस्पताल के बेड सीरियस मरीजों के लिए खाली रखिए, ये सबसे ज़रूरी है इस टाइम। अपने को हॉस्पिटल मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। दुनिया भर के अंदर मैंने देखा है किस तरह से अस्पताल कम पड़ जाते हैं, इतनी तेजी से फैलने वाली बीमारी है कि अस्पताल अगर कम पड़ गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन के लिए कि लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूं, मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। लॉकडाउन किसी भी सरकार को तब लगाना चाहिए जब उसकी अस्पतालों की व्यवस्था कोलैप्स कर जाए और उसको जरूरत हो, कि लॉकडाउन से कोरोना की गति धीमी हो जाती है। अभी अस्पताल की व्यवस्था हमारे कंट्रोल में है, आपका सहयोग चाहिए। अगर आपका सहयोग मिलता रहा और अस्पताल की व्यवस्था काबू में रही, हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी होने लगी और अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं मिलने लगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़े। हम दिल्ली में लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते, आपका सहयोग चाहिए। और तीसरी चीज़, एक हम कर रहे हैं कि स्प्रेड नहीं होना चाहिए, दूसरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट, और तीसरा वैक्सीनेशन। आज एक बहुत अजीब विरोधाभास है, कोरोना की दवाई आ गई है, वैक्सीन आ गया है, और उसके बावजूद कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है। हमें कोरोना को हराने के लिए कोरोना से ज्यादा स्पीड पे वैक्सीनेशन करना चाहिए था। जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है उससे ज्यादा बड़ी स्पीड से अगर हम वैक्सीनेशन कर देते हम कोरोना को काबू कर सकते थे। हमारी कोरोना की गति बहुत धीमी है,
मैंने केंद्र सरकार से कई बार हाथ जोड़ के निवेदन किया है, केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है कि ये जितने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं वैक्सीनेशन के ऊपर, सब रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए। अभी तो ऐसे जरूरत है कि सरकार, हमारी सरकार तैयार है, दिल्ली सरकार तैयार है, हम घर 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 जाके कोरोना की वैक्सीन लगाने को तैयार हैं। हमारे स्टाफ जो है वो घर घर जाके वैक्सीनेशन लगाने को तैयार है। 2-3 महीने के अंदर, मैं अभी मुख्यमंत्रियों की जब बैठक हुई उसमें और भी 2-3 मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम 3 महीने के अंदर पूरे अपने राज्य को कोरोना की वैक्सीन लगा देंगे, आप ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दीजिए, 45 साल से ऊपर वालों को लगेगी। दिल्ली के अंदर जो मेरा डेटा है वो ये दिखाता है कि 65% मरीज दिल्ली के अंदर जो अब कोरोना के आ रहे हैं वो 35 साल से कम उम्र के हैं। तो अगर 65% मरीज 35 साल से कम उम्र के हैं तो कोरोना रुकेगा कैसे, कोरोना की साइकिल कैसे टूटेगी? वो तो तभी टूटेगी ना जब वैक्सीनेशन लगेगा। तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है, केंद्र सरकार ने बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि सेंटर नहीं खोल सकते, ज्यादा सेंटर नहीं खोल सकते, इस उम्र से कम लोगों को नहीं दे सकते। अभी तो हमें लार्ज स्केल के ऊपर, युद्ध स्तर के ऊपर सारी मशीनरी हमें वैक्सीनेशन के ऊपर लगा देनी चाहिए। इससे बड़ा विरोधाभास क्या हो सकता है कि हमारी वैक्सीन आ गई और उसके बावजूद हम कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना इतना तेजी से फैल रहा है। तो अगर हम कोरोना की वैक्सीनेशन बहुत तेज कर दें तो ये इसका एक समाधान हो सकता है। कुछ लोगों के मन में, जैसे अभी पूरे देश भर से रिपोर्ट आई, एक अस्पताल में 37 डॉक्टर्स जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी, दोनों डोज लगी थी, उनको भी कोरोना हो गया। एक और उत्तर प्रदेश से एक अस्पताल से रिपोर्ट आई, एक महाराष्ट्र से एक अस्पताल से, कि कई सारे ऐसे लोग हैं जहां पे जिन लोगों ने दोनों डोज ले ली उसके बावजूद भी कोरोना हो रहा है। तो लोग पूछ रहे हैं कि यार ये वैक्सीन लगाने से कोई फ़ायदा है? तो मैंने कई एक्सपर्ट से बात की, कई डॉक्टर से बात की, उन सब का ये कहना है कि वैक्सीन लगाने से आपको सीरियस बीमारी नहीं होती, कोरोना दोबारा हो सकता है। वैक्सीन लगाने के बावजूद भी आपको मास्क पहनना चाहिए, सारी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, लेकिन कोरोना फिर भी हो सकता है, लेकिन वो कोरोना सीरियस नहीं होगा, आपकी डेथ नहीं होगी, आपको हो सकता है आईसीयू में जाने की जरूरत ना पड़े, कोरोना की सीरियसनेस काफ़ी कम हो जाएगी, इसीलिए वैक्सीन का फ़ायदा है। तो जो जो लोग आज, केंद्र सरकार जब भी इसको खोलेगी रिस्ट्रिक्शंस को, बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन जो जो लोग आज एलिजिबल हैं 35 साल 45 साल से ऊपर की उम्र के हैं, वो तो कम से कम सारे तुरंत जाके कोरोना की वैक्सीन लगवा लीजिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए। हमने टेस्ट्स दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, पिछले कुछ दिनों पहले तक 80-85 हज़ार टेस्ट डेली हो रहे थे और पिछले कुछ दिनों से 1,10,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं। रात दिन पूरा स्टाफ, पूरे ऑफिसर्स काम करने में लगे हुए हैं और आपकी सेहत के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी हम सभी करेंगे। मेरी सभी पॉलिटिकल पार्टीज से निवेदन है, अपील है, आइए सब मिलके काम करते हैं। ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, ये वक्त एक दूसरे के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ये वक्त एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करने का नहीं है, बाद में कर लेंगे राजनीति, सब मिलके अभी तो अब दिल्ली वासियों की सेवा करते हैं। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, पिछली बार आप सबने सहयोग किया था, हम केंद्र सरकार से पूरा सहयोग ले रहे हैं। मैं सभी डॉक्टर्स से अपील करता हूँ, सभी डॉक्टर्स की एनजीओ से अपील करता हूँ, सभी धार्मिक संस्थानों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, सभी सामाजिक संस्थानों से, एनजीओ से अपील करता हूँ कि ये चौथी वेव बेहद खतरनाक है इंसानियत के लिए, हम सब लोग फिर से एक साथ वापस एक साथ जुड़ें और इस चौथी वेव का सामना करें। कुछ लोग कहते हैं, जब मैं उनको कहता हूं कि मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, कहते हैं सर 1 साल हो गया, अब थक गए हैं। अब ये सोचो, वो डॉक्टर जो 1 साल से, और नर्स और जो पैरामेडिक स्टाफ 1 साल से अस्पताल के अंदर रात दिन 24 घंटे आपका इलाज कर रहा है, वो नहीं थका? वो तो आपसे ज्यादा थक गया है। अगर वो 24 घंटे पिछले 1 साल से काम कर सकता है, अपनी जिंदगी दांव पे लगा के कर सकता है, तो आप कम से कम मास्क तो पहन ही सकते हैं। और ये थकने से तो आप ही की जिंदगी खतरे में पड़ती है, ये थकना अलाउड नहीं है अपने लिए। तो मैं फिर से आप सबसे यही अपील करूंगा कि बड़ा कठिन दौर है और सब लोग, मैं समझता हूं कुछ दिन की बात है, कुछ दिन के अंदर जैसे पिछले 3 पीक दिल्ली वासियों ने जम के इसको
ठीक किया था, इस बार भी सब मिलके चौथी पीक का मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।